जरा गौर से सुनेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं हम और आप कमी करते हैं। अगर आज हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है तो इसके कसूरवार हम हैं। इस विरह से मैं प्रमाणित करूंगा कि हम कसूरवार हैं। अगर हमारी आपकी बहन बेटी लूटी जा रही है, इस विरह से यह बात मैं क्लियर करने जा रहा हूं। जरा ध्यान देंगे, केंद्र कवि का भाव है वीर होलन कई। कव्वाली लगत बा, बहुत पुरान कव्वाली बा हमारा अंदाज से।
एकर इतिहास खून से लिखल बा, एक एक पन्ना खून का बूंद से सनल बा। का कौनो माई का लाल कबो पीठी धूर लगाई हो, चैलेंज बिरहा के माध्यम से कहानी चालू हो गई। उसकी पलानी में धारिया शांति अति सुंदर दुलारी थी, एक बेटा व एक बेटे की मतारी थी। बेटा 2 साल का, बेटी उम्र 1 माह रहा। शांति श्याम ने मोहब्बत में पनाह रहा, रोज ही शांति पति ऊपर बरसती थी। बेटा बेटी के नाम कर्ण को तरसती थी। एक दिन श्याम मेला में घर को आया है, एक दिन श्याम मेला से बताया है। रांची, रांची में एक जगह का नाम बा कांके, जहां आज पागल खाना बा। रांची का मशहूर पागल खाना बा, पूरा भारत में लोग जान ला रांची का नाम। और नहीं तो कहावत बोलो, कहना तू भैया तू रांची रिटायर हो का। वही कांके का रहे वाला श्याम मुंडा आदिवासी, श्याम मुंडा का धर्म पत्नी, श्याम मुंडा के धर्म पत्नी का नाम शांति देवी। 2 गो औलाद हुन, बेटवा को उम्र 2 साल, बिटिया को उम्र 1 महीना। कबो कबो उस शांति अपना पति ने झगड़ा करे की बचवा 2 साल को हो गई, अब नाम ना रखबा, अब बिना नाम का लड़का है। यही तर जमने झंगठुआ फंगठुआ बोला था। दुलहिनिया ने झगड़ा होके एक दिन दुर्गा पूजा से पहले शारदीय नवरात्रि में नवमी के दिन जवान गया है मेला देखने। मेलावा में वापस आई और धीरे धीरे 8 रात बजत था। दुलहिन चुल्ही जरोले ही खाना बनावत ही, दुल्हवा कलश लिया बचवा बच्चियन का नमो रख दे रे। रोज रोज तू झगड़ा कर लिया बचवा बच्चियन का नमो रख दे। बचवा बचियन के नमवा के नाम पर दुल्हिया भड़क गई, कलश आज कवन जरूरी हो गई। श्याम मुंडा अपने दुल्हन को बताता है, का बतावे तरज बदल। दिल्ली गैंग रैप में सुन लो ये धुन के गाने, नहीं बड़ी पसंद के लिए आप सभी। कौनो लड़की का गौना हो गई हाले हाले, अपना ससुरा गई, ओकर मर सुहाग रात वाली कोठरी में पहली राती ओकरा संगे अंड बंड कर देला। अंड बंड ना जानता ना हो पंचो, अंड बंड का मतलब ई होत है कि ओकर चूरी कंगना तूर दिहलस। मतलब ओकर समाप्ति कर दिहला, ओकर तनिका टेबल कम कैला, चिल्लाई नहीं। ठीक ना, ठीक ना, आई देखा, आई देखा, हेलो, ठीक है, होतना दुल्हे बोला था, दावत हो, हाँ दावत, हाँ दावत, हाँ, दुल्हिन गनगना थी, कैसे गनगना भी, कहला सुड़िया चट चट फोरला, अरे चुड़िया चट चट फोरला, हाँ मर नरम कलया मारो रे मन भाये हरा, कि हाँ हाँ मन भाये राजा जी तोड़ के मन भरे राजा जी। लेकिन है बिरहा का बार सुने, अरे कहिले बटलर बाजी नदानी, अरे बहिनी के रखल सीता ऊपर सुनाए रनिया की नामक, अरे तारला हमारा घाव ऊपर सुनाए रनिया। ए रानी
बड़ी मजबूरी में आज रतिया का बचावा बचियन का नमाव रख ले आई है। काहे हो कलह गैली या खड़वा पर एगो अंग्रेज सीना तान के चलत रहे बर्दाश्त ना कैली ही हाथ मिला लेली हो हाथवा मिलौली ही दाव पर जब ही चढ़ौली ही तौले एगो बहिन के दाव पे लगा देला सब कलस कवन बहिन कैसन दाव बतावे कलस की जे पटकाई वो से ना हो प्रेम से चाय पिए भैया कि जे पटकाई वो से पाई रिहाई अपनी जाई बंदी जे अकासावा देखाई कलस का कलह का नाम रहा लैकिया को कलस किरण यादव कलस है सुना है चुड़िया ना ल पहिन ल चुड़िया पहिन ल कलस का है रे कहला से कर मतलब कि तू पटकैला ह तब आइला अगर पटकले रहता तो तू तो बंदी बन गला तो शर्त के मुताबिक अगर आ गइला एकर मतलब अखाड़ा पर पटका गइला ओ बहिनिया के इज्जत खतरा में डाल देबे ऐसे कि यादव के लईकी रहलिया बिना पूरा जन ले बक 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 मत कहनी चुप चुप कई खतरा में कोई नहीं हो हाथ जोड़ के निवेदन के लिए बनी काल लड़ाई हुई काल कुश्ती हुई मोहलत मांग के आइल बनी मोहलत ले के आइल में कलस अच्छा तो बहिनिया कहे बहिनिया बढ़िया पुलिस प्रोटेक्शन में ही काल जाई कलस काल जीव तो का करबो तब बतावे अरे जाई न पानी ही पदम तूफानी ही पदम कल पनाना कहाँ हाँ सुनो ये रानिया अरे नामक करे ना हमारा धा ये बुहू कल जाई सबेरवारे अब लिया बचावा बचियन का नाम रखे अब तो शांति भइल चुके कलश रख बचावा बचियन का नाम रखे चलल जरा गौर करेंगे बिरहा प्रेमी तरज बड़ी पुरान लगे माई बहिन लोग गावेले की प्रभु आप बसे वृंदा बड़ी बड़ी गीत है ये कुल गीत बड़ी मजा दे ले ये पुरान ना हुई है लेकिन कुछ गीत तो ऐसा ना होता है एकदम गजन हो जाता है कुछ दिन पहले हमारे को गीत आए रहे कौन लड़की छोकर थी बता दी भैया बता दो कहती हमारा चोलिया में होता हुदबुदी रे माई चिल्ला थी चिल्ला थी अच्छा बताओ ओके मैये मिलत रहे कहे खाती बतावा थी कौन लड़का से कह गुदगुदिया छोड़ा दिया सा और नहीं तो दर्शन गांधी ले कह दे रही उनकरा लेना छुट्टी गुदगुदी मैंने दर्शन के कमजोर समझत हुआ और ही का देखा अच्छा बचावत हो जाए अच्छा ये करा बाद एगो गीत आइल कोन मेहरा रुकतिया की गवना करा के अरे बहरे गइलो अकुलिए विपत का पार धैलो ए राजा ये तन्हाई का भार परल बसनी जिते बरफ के पानी अरे रगरत पानी काजन कहा रगरत अपना चीज पर हमारा उसे काम कर रहे अच्छा महीने को हाल ही में गीत अलग तोर दूदू इंडिकेटर अच्छा गजब गजब गीत आओ मन होए तो बताई बता दी एकर एकर क्वालिटी अच्छा ठीक है आप लोग का इजाजत ले के हम कुछ कर ला अच्छा ई दूदू इंडिकेटर वा में बड़ा डांस करत रह हां आजकल डीजे वाला घनघन घनघन का पत हो कि पिया कब डीजे फोड़ दिए हां अब पियाको में पियाक दो किस्म का एगो फूल एगो टन जवनी अचियावा कचियावा लगाए के एकदम पीहा एगो छिरकी हां चार गो ताकि चली तो तनी गम के कि हां तो पी के आवत अच्छा वो रास्ता में चली है जैसे कैसे मोड़ अरे दो या
आग लगा भाई, या बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाने तो हाँ बढ़ जाओ बढ़ जाओ रहता हाँ ठीक है एकदम सही अरे तू सही रहता जनाब हम सही हैं अच्छा ही भैया प्रेम शर्मा हूँ ये पी के फोन कर ले बताओ भैया पी के फोन मत के लिए इसे हमें पियाकन से बड़ा एलर्जी हो ले अच्छा हम बताओ थी बहुत प्रेम है भैया के चरणों में पड़ा फोन करना ड्राइवर साहब ड्राइवर आप हैं बहुत हमारे प्रेमी हूँ आप पी के मत बतिया तो हम 10-10 मिनट बतियाइए अपने ऑडियंस से आपसे बहुत लंबी बात हुई मैं याद है बहुत प्रशंसक हूँ भैया अच्छा आई देखा ध्यान दो अच्छा पिया ले को नूरी पी कर चल दिलो बारात में नाचे डीजे वाला बजा तेरी बहन की आज मेरे यार की शादी है बजाएगा यार मेरे यार की शादी की दरी मार देंगे गोली डीजे वाला कला सच्चा भैया बजावत है ना बजत है तो ले दूसर का आ गई ई जवन रम पी ले तनी कम पी ले हा उ जवन ढेर पी ले उ पहुंचल कला तुमको कौन बोला मेरे यार की साड़ी है हां बोल बैठ जा उ जवन रम पी ले कर तुमको कौन बोला आज मेरे यार की साड़ी है तुम ए मत बजा अब बजाओ कि आज मेरे सार की साड़ी है डीजे वाला कहत है यार यार की शादी ते जाना थे ये सार का शादी वाला गाना मेरे पास ना तब ले तीसर का पहुंच गल का दांत तेरी पाइट भैया बजा तू तू नीचे नाम अच्छा डीजे वाला कलसी तो निश्चित खराब करी नाचे वालन का लाइन लगे डीजे वाला बजावत तो डिक चिक डी डी डाडा दीपक साउंड एकरा बाद काया वथा तोर दूदू इंडिकेटर तोर दूदू इंडिकेटर तो अब नाचे वाला नाचत हो मगर अच्छा देखा तो नाचे वाला इतनी नाचत हो नाचत ना जब नली में कूद जात हो बरत एक तो चला मर दे पानी पिए अगर नागिन धुन बजाओ नागिन धुन बजाओ बे तोरी लोट एक ही में एक ही जोड़ी आए लागत हो अच्छा वो नाचत था तो अब देखा गावा तो हम सब पिया किया तो जवन तनी रम पिए ले हु कम पिए ले ह वीआईपी आदमी उ जाके डीजे के सामने कहता तोर दूदू इंडिकेटर तो एक और अंगुरी डीजे बड़ी जा अच्छा जवन ज्यादा पिए ले वो काहे माने वो नाचे चल गई अब ऊ ओकरा पीछे हो गई ऊ कहता तोर दू दू इंडिकेटर तो एके पता है कि दू मतलब दू होला ई कैसे नाचा था ऊ कहता तोर दू दू इंडिकेटर एगो तोर दू दू इंडिकेटर तो ले आगे वाला का अंगुरी डीजे में एक और अंगुरी बीजे में हो गई डीजे पर मार लेकिन हाई माई बहनों ला दर्ज हम ये बात बतौनी हम ये बात बतौनी कि ई गीत में कब मार ना हुई जब सुनब तब कब पुराण ना होई कवन तरज कि प्रभु आप बसे वृंदा प्रभु आप बसे वृंदावन में मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में प्रभु आप लेकिन बिरहवा का भाव कि कर लाल सलाख तब कि कर लाल सलाख अरब तब बेटे का सीना दाग दिया कर लाल सलाख अरे
सुन भाई बसंती रे वापस नहीं आऊंगा रानी वापस नहीं आऊंगा रानी रे बेटा बेटी को त्याग दिया ध्यान देंगे साथियों ऐसनो माई बाप फले बचावा का सिनेमा खोललस अगिया में लोहा करोड़ लाल करैलस लिख दलस क्रांति माई रोवत ये बचावा का रोवल का सुन के लेकिन मुहवा से कुछ न बोलती है क्रांति है मैं जाऊंगा मुझे पता है वो अंग्रेज बंदी बनाएगा लेकिन मेरे बेटे को क्रांतिकारी का पाठ पढ़ा देना क्रांति बना देना क्रांतिकारी बना देना आए है बेटावा का क्रांति नमो रखलस एक महीना का बिटिया ही है दूसरे घर का मेहमान है ओके कहां दागो गलस नहीं एकर नाम रेखा रही रानी हम जात हैं आ यही बचपन के तू देखी है पलिए पोसी अब हम आई बोई कल जाई तो ससुरा के पटकब आ पटकब तो शर्त के मुताबिक हम बंदी उ बहिनिया के बचाव में हम बनो बंदी बता देना चाहता हूँ यहाँ एक सवाल है आप लोगों से जरा गौर से सुनेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं हम और आप कमी करते हैं अगर आज हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है तो इसके कसूरवार हम हैं इस विरहा से मैं प्रमाणित करूंगा कि हम कसूरवार हैं अगर हमारी आपकी बहन बेटी लूटी जा रही है इस विरहा से यह बात मैं क्लियर करने जा रहा हूं जरा ध्यान देंगे जवान चलल आ जवान चलल जब अखाड़ा पर पहुंचल तो देखा पिछवा ले बर्दाश्त ना हो तो ऊहो अपना दोनों बचवन के बांध के एतर मेला में पीछे बैठ गई मेलावा में पीछे बैठ गई जवान चढ़ल अखाड़ा पर अंग्रेज ताल देके वो लड़की का दाव लगा जब दाव लगौलस किरण यादव का बिरहावा में का भइल तरज बदल गई स्वर्गीय बेचन उस्ताद बेचन राजभर जी यह गीत के गावे अपनी जवानी काल में सबका अपन अपन अंदाज बा कैसे माई बहन क्या होता है कहे तुम्हारी मम्मी को यू करता है बटलर से हाथा कि तवले सात मिनट बाद We'll be right back.
दगे 7 मिनट के अंतर्गत मरलस मुल्तानी अंग्रेज नीचे, श्याम मुंडा ऊपर। श्याम मुंडा चढ़ गया सीने पर, सिनेमा पर चढ़ के कलश कहा सारा हूं आए दही। तबले वह अंग्रेज आदेश दिया अपने सिपाहियों को, पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो। शर्त यही है कि पटकने वाला गिरफ्तार होगा। श्याम मुंडा गिरफ्तार हो गए। लड़की किरण यादव को छोड़ दिया गया, लेकिन तब तक से गरम दल के क्रांतिकारी जमाने ही में गरम दल वाला कुल बैठल हो। ये लोग का खून कब उबाल मार दही, हम कल ही नहीं पागल भैल देवनाओं पर दूजाने का खून उबाल मारते रहे, हम देख नहीं लेकिन बोलनी नहीं ये जी आज हलो। और उनका उन लोग का खून उबाल मार के अस्थिर हो गई। ये लोग का उबाल कब मारी, गरम दल के हमारे युवा साथी चढ़ गए अखाड़े पे। गरम दल के क्रांतिकारी नेता मार काट करने लगे, ऐसा ही खचकल भीड़ हो भैया उठ के भाग चला। आ जब उठ के भागल भगदड़ मचल, तब माई शांति पिछवा बैठल है। रेजा देखले बनी रांची साइड का औरत कुलावेली भट्टा पर काम करे ना, बचपन के पिठिया पर बांध के काम करे, पिठिया पर कपन हल्का गठिया खुल गल, दोनों बचवा फेंकाए गए, दोनों बचवा दुई ओरी गिर गईलन। आय हाय बड़ी अनहोनी हो गई। गौर करेंगे वो लड़कियां मुसलमान हसरत अली क्रांतिकारी के हाथ लग गई। तनी बिरहा में फुनगी होता दो दो साइड में लग गई। अब बुढ़िया माई आया खोजे रोज, कोई नहीं बतावल तो हर बेटवा कहां बा, कोई नहीं बतावत तो हर बिटिया कहां बा। अब दूर रास्ता हो गई माई हर सलिया विजयादशमी पर आवे, कोई ना बतावे कि तुहार बेटा बेटी कहां गई लन। धीरे धीरे समय बीतता गया बीतता गया, बिरह में टेरी बा। अरे ये बाबू ही ना तब वतन दीवानी बन गई, अरे क्रांति का पथ छोड़ा क्रांति बना कमीना। मार सही है मरदा तो लोग मरला में कितना मजा आवला हो, मरले पे तो मजा आइला दे ध्यान दगे। अरे कोट दबा रे की बुढ़िया शांति दर दर भटके, अरे घूम घूम के खोजेला ये बाबू मिलना पाए कली सुमन तब। अरे खोजत पिता 18 साल यहाँ क्रांति भारती हुआ खोज, अरे क्रांति भारती हुआ खोज, अब अगर जो का बन गया ढाल। अरे क्रांति के ही ना क्रांतिकारी बन के ही ना अंग्रेजों का बन गई काल। बोलो माई थक गई खोजत खोजत, अब रांची में ना ही आ, बड़ा दुख हो रांची में, कल सब ना बचवन के खोजब, अब हमार बचवा बचिया हमें न मिली हन। आ यही रांची में हमार सैया जेल में हुवन, फिर हमारा एजा जेला में कौन फायदा। निकलिए हटिया पहाड़ी की तरफ निकल गई रांची में, जो भाई लोग गए होंगे एक हटिया जगह है रांची के आगे, हटिया में जा करेंगे वो पहाड़ी के नीचे झोपड़ी बनोलस। माई कलस अभी जवन बाकी दिनवा बा देशभक्ति गीत गागा बिता ले, लेकिन अंग्रेजन का मुंह ना देखो। यह करत ही माई बुढ़िया एक दिन 10 बजे का पहर भयल का बिरहा में फिर तरज बदल गई। ई तरज गोड़ऊ गीत बा, पहले है ब्रास बैंड डीजे फीजे ना रहन, पहले हुड़का का नाचावे पखाउट का नाचावे, मृदंग बजे हुड़ुक बजे गोड़ का नाच आवे तो गोड़ का नाच में दुगो लवंडा होखे, एगो गोरका एगो करियावा।
अरे नाच के गाव की और का करे यार, गोरका लवंडा कैसे गावत रहे, हम गावे जानी ला नाचे नहीं आवत हमरा, नाच के बता दे नहीं, हम गा के बताई खाली, आज बजा दे रे देखबा लोग नाच, ए नाच के को बजा रे, बजा रे नहीं बजाई नहीं बजेबे, पैसा नहीं लेबे, मरबो करो तो चल बजा बजा कह दे भैया बजा मत, आए तो हम लोग का मन है। अरे वाह रे साहब, धन नहीं रहुआ लगन, चलिए आप लोग के अगर ई है कि नहीं गोरका लवंडा का नाच हो जा, तेजा लवंडा वंडा कोई बात नहीं, गोरका लवंडा तनी बुलुकी दे दे आज भरे, आज भर बुलुकी दे यार, रोज ही थोड़ी उजरका तो रोजे मिलेगा। अच्छा गोरका लवंडा ऐसे उड़े ला, जब आप लोग का मन है ए ऐसे ए ए ऐसे करके ए ऐसे ऐसे, अरे जान ले भी का रे लात खाइबे का रे, चुमार था लाता का दिन है, ऐसे अपना सामान के मारल नहीं जला, हमने बड़ बड़ बोलबा हम नहीं हो नाचा, नाचे नाचे ना अब ना कह, गोरखा लवंडा कैसे गाए, कहे है बाबू तनी का ऊपर कर दे, गोरखा कही किया रे सरकीना नहीं हो, सरकीना ना डर तो हो सरक लेकर, भैया दबौले रही है जो हमारे थोड़ा जुगाड़ गड़बड़ाई, गोरखा कहे कि अरे गवना करवला रे पियावा घरे भाई पगला, ए भैया नाच का आनंद ले वाला लोगन देखिए खाली ढोलकी का रिदम पर कमर खाली हिली, खाली रिदम से मिला के अब कैसे हिलावत है कहा था, ये पिया हो एकरा बाद ओकर घूंघट उघर जाई, देखो इहे कमरिया अलग चली, जय बेरी हिली तय रंग कहली हो बता दे, अब वैसे हिलाई जैसे देहुड़ी में अहिरिन का मखानी नाचे, कैसे नचाव था कहता, अरे अपन हे बसे लपला मुटी, अरे ई तो गोरका नाची करियावा अलग हिलाई, करियावा वाला ना हिला, हिला दा लेकिन गिरे है जी, हिलाइबे नहीं करब तो गिरी कहां से, करियावा वाला ना हिला, ना हो हिला दा नहीं, ना हो भैया हिला दा करियावा वाला, हेलो तनी के दिखाओ करियावा वाला ना, अरे का बात है गुरु, चलिए आप लोग के मनोरंजन के लिए हम दोनों भाई आए हैं, एक बात अब हिलाई भी कहीं सर पर, जब हमारे को सवाल का जवाब देबे आप लोग, सवाल का जवाब देबे आप लोग, अच्छा ई बताई सबे, हम ऊपर से हिलावत हैं तो वो लोगन के नीचेवा से मजा मिलत था, क्या बात है आप लोगों को नीचे से आनंद आ रहा है, अगर आप लोगों को नीचे से आनंद आ रहा है तो हमें ऊपर से हिलाने में भी परहेज नहीं है, चलिए आप लोग आनंद लीजिए, हम ऊपर से हिला रहे, करियावा कैसे हिलाए, करियावा कहिए रे केकरा से हसबाए पिया के, हम कले नहीं धैले रे भैया, ये बड़ा खतरा है,
तौए मार देला तौए मार देला ना। एक बार और हो तौए मार देला सर एक बार और कहत है आप लोग को मौज मस्ती बदे बिरह बीत जाए आप लोगों के बोरियस महसूस न हो के रहे उंगाई लगता उंगाई न लगे नहीं तो बिरह होते रहला लोग सुतल रहला फिर सोचे कि दूसर का पारी कब आई तब वो करे पारी में जागो आओ लेकिन माई अब ध्यान दे यहाँ अब फिर बिरह पर आप लोग को नजर रोकते माई 10 बजे सवेरवा देशभक्ति गीत गावत थी तो ले एका एक एक अनहोनी हो कि तवले क्रांति का सागर में घूमे गोरा उठा पतिया अरे शांति करे दूरा गतिया माई देशभक्ति गीत गावत हिया बेटवा क्रांति पांच गो अंग्रेजी सिपाहियन के लहलस घूमे निकल गई तो लोग के समझ में ना लगी मंच पर बैठ के बोले घूमे निकल गई माई बुढ़िया झोपड़िया में देशभक्ति गीत गावत हिया पहुंच गई क्रांति ई कोनो ज्यादा देशभक्ति बनत हिया खींच लिया छोटा पकड़ करके पकड़वस माई का बरवा ठिठिरावत झोपड़िया का बाहर कदम उठा करके कोड़ा लगा अपनी माँ को मारने फर्क क्या है बेटा नहीं जान रहा है कि मेरी माँ है इतनी मार मरलस की बुढ़िया प्यास गई और बेटवा से कलस ए लाल मार ले तू अंग्रेजी सिपाही है ना मार ले हम लोग गुलाम है तो एक काम कर दे थोड़ा पानी पिया दे बेटा कलस पानी 56 प्रकार का भोजन खिला दूंगा बसरते मेरे साहब का जय जयकार कर दो मेरे साहब बटलर का जय जयकार कर दो कलस है लड़के खींच करके जुबान हलक से बाहर कर दूंगी अगर उस कमीने का नाम मेरे सामने लिया तो कलस हो मेरे साहब के नाम से तू जलती है मेरे साहब के नाम से तुमको नफरत है तो कोड़ा खा उठा करके अपनी बूढ़ी माँ को पुनः कोड़ा से मारने लगा माई बेहोश हो गई मूर्छित जमीन पर पड़ल है तब वो अपन बेटवा कोड़ा पर कोड़ा बरसावत है तवले कि अरे तवले तलाईली हो ही नाले के संग हतिया ध्यान देंगे नाम में अंतर है वही रेखा जब हसरत अली मुसलमान पाए तो उसका अपने कौम के मुताबिक क्या नाम रखे हीना हीना आई है अपने साथियों के साथ तर 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 गोली चलाने लगी अंग्रेजों को देख करके पांच अंग्रेजी सिपाही को मारने में इबूली बिटिया पहुंचा पांच के मरलस क्रांति अपने आप को बचाकर भागने में कामयाब हो गया
पहुंचल बुढ़िया माई के पास, पानी का बूटा मार के होश में लिए लस। देखा बेटवा मार के निकल गई और बचिया बचा के निकल गई। माई जान न पोलस की मारे वाला हमार बेटा रहा, बचाए वाला हमार बेटी रहिया। अरे भैया उधर गया क्रांति अंग्रेज बटलर के सामने, बोला अरे सर आप सो रहे हो, हटिया पहाड़ी के अगल बगल क्रांतिकारी टोली खड़ी हो रही है, क्रांतिकारियों की फौज खड़ी हो रही है। अंग्रेज बोला उनको खत्म करने के लिए कितने जवान चाहिए, ले लो चले जाओ। कला साहब 12-13 की संख्या में हमें दिखे और करीब करीब 60-70 सिपाहियों को आप दे दीजिए, मैं उनका खात्मा कर दूंगा। एक दिन पलान बना के अपनी बहिनिया के मारे भयवा चलल, और जब भयवा चलल तो बिरहा का आखिरी तरज लग गई। अरे तय कदी न बना के योजना क्रांति, कदी न बना के योजना क्रांति, दूरा चरिया हो सभी के घेर ले बाटे पहाड़िया। भाई बहन का लड़ाई, अभी तक अंग्रेज का लड़ाई बता दी, भाई बहन का लड़ाई। बारी बारी से हीना के सभी साथी मारे गए। शाम होते होते एक गोली हीना को लगी, आहे माई कई के धरतिया पर गिरल। क्रांति होकर बड़का भैया ही सोचत हो कि मर गई मर गई। गया है बटलर के बंगले पे, जश्न की तैयारी चल रही है। धीरे धीरे रात अधियात, गोलियां निकाले का प्रयास करके हीना थाक गई, लेकिन बाजू का लगल गोली ना निकलल। गोलियां का जहरवा शरीरिया में भीनत बा, लगा कि वह लड़की मर जाएगी। एकाएक ओह लड़की के ई बात याद आ गई हीना के, कि जौना माई के बचौले रही उ माई यही पहाड़िया में रह लेना, ओ माई से काहे नहीं हम अपन जान बचावे को मदद मांग ली। लड़खड़ाती हुई भागती पराती पहुंची झोपड़ी के सामने, आवाज लगाई, माँ माँ आज आज तेरी हीना खतरे में है, माँ माँ अपनी बेटी को बचा ले, माँ अपनी बेटी को बचा ले माँ। वह बुढ़िया निकली झोपड़ी से, आजा लाल, अरे आजा हीना, तू मेरी जान बचाई थी, मैं भी तुम्हारी जान बचाऊंगा बचाऊंगी, आजा आजा बेटी आजा। बहिया फैला के जो ही ओ बचिया के बहिया में लहर चलस, ओ बचिया का अवजिया बंद हो गई, ओ बचिया का अवजिया बंद हो गई, लुढ़क गई बाह में, बाह का ओट दे करके नीचे करती है। ससिया चलत रहे पानी का बूटा, मरलस बेहोश भेले होश में आ गेल। कलस माई रे एगो काम कर, हमर बहिया में गोली लगल बा एक निकाल दे तू। जब निकाली है गोली चीख पड़ी माँ, जब माँ की आवाज सुनी है वह बुढ़िया औरत, कलस ए बेटा एक बात बोलो, पता नहीं तू मेरी बेटी है कि नहीं है, लेकिन जब तू माँ कह रही है ना तो लग रहा है कि मेरी बेटी मेरी बेटी मुझे मुझे बुला रही है, मेरी बेटी कहीं खतरे में मुझे बुला रही है। कलस माँ मैं नहीं जानती कि मेरी माँ कहाँ है, लेकिन जब तू मुझे बेटी कह के बुला रही है ना तो यही लग रहा है कि मेरी माँ मुझसे बात कर रही है।
पता नहीं मेरी माँ कहाँ है, छोड़ जाने दो। माँ एक काम कर, मरहम पट्टी कर दो, मुझे बहुत सारा काम है। माई मरहम पट्टी करे चलल, हई कपड़वा का बहिया का कपड़वा बाधक बनत, वही चकुया ले खींच के फार देलस। जब मरहम पट्टी करने चली एक कंधा का ऊपर, एगो चंद्रमा आकार का तिल देखलस माई फफक के रो पड़ल। कलस खरे पगली, अपनी माँ को धोखा दे रही है तू, अपनी माँ को धोखा दे रही है। हीना नाम किसने रखा तुम्हारा? तुम्हारा नाम हीना नहीं है, तुम रेखा हो, मेरी बिटिया हो। कलस नहीं माँ, मैं हीना हूँ, मैं किसी की रेखा वेखा नहीं हूँ। कलस करे पगली, सब कुछ मैं भूल जाऊंगी, लेकिन बचपन में मैं तेल मालिश करती थी ना, ये जो चंद्रमा आकार का तिल है ना, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, कुछ नहीं बदला है। अरे तुम्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है तो रेखा बन के भी लड़ सकती है, क्यों तूने अपना नाम बदला? कलस मैं रेखा नहीं हूँ, मैं हीना हूँ। कलस अगर बेटा तू हीना है ना, तो तू अपने अब्बू का नाम बता दे। कलस अब्बू? कौन अब्बू? अरे जिस अब्बू ने मुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, वो अब्बू कुछ दिन पहले मर गए, और मरने के बाद यह कह के चले गए कि ए हीना, मैं तेरा अब्बू नहीं हूँ। मैं पूछा कौन है हमारे माता पिता, उन्होंने नहीं बताया। जानकारी के लिए सिर्फ इतना बताए कि ए बेटी हीना, मैंने तुम्हें रांची के मेले से दुर्गा पूजा के दिन पाया था। कलस बस बस इतना काफी है तुम्हें बताने के लिए, इसके बाद की बात मैं बता रहे हूँ कि क्यों तू मेले में आई थी। आप लोगों कभी रहवा को बतिया याद बना? माई पूरी बतिया बतौलस, ए बेटा केवल तू ही नहीं गुम हुई थी रे, तेरा बड़ा भाई जिसके सीने पे तुम्हारे पिता ने क्रांति लिखा था, वह भी गुम हो गया। तेरे पिता आज भी इसी रांची के जेल में बंदी बन करके हैं, वह अंग्रेज बटलर आज भी इसी रांची में है। कलस माई तब तक मरहम पट्टी मत कर, मरहम पट्टी मत कर, कैलस का पहपट में भाव। राजा राम बाबू सिमरिया से 100 रुपया चरणों में प्रणाम। दो मिनट जगह पकड़े रहेंगे, सुने फैसला करने जा रहा हूं, क्यों हमारी और आपकी बहन बेटियां लूटी जा रही हैं? उस पॉइंट पे मेरा बिरहा खड़ा है। का हो थवनिया अंग्रेजवा के, अरे विजय खुशी में बंगला पर बटर पाती रखवाया हो, आ तवले पहुंच के ही ना मारे गोली, कई लोग के भयल सफाया हो, अरे तवले खत्म भयल बा गोली, मुश्किल जीना ही ना गर्जल बा, आज कड़ लिया घेरावा के क्रांति सीना ही ना गर्जल बा। तर 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 बटलर के बंगले पे गोली चलाने लगी, दहशत में भागे हो भैया, साइलेंट हो, दहशत में भागे, फुलवा का उसे का मतलब, लेकिन साइलेंट, दहशत में भागे। तब तक से गोलियां खत्म हो गई, निकाली बगल से म्यान से तलवार, काटत ही खच 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 खच, तेगो बात बताई ला जे हारेला से अपने से भायावा उकरा क्रांति, फिर गद्दारी का धलस, पिछवा से अपनी बहनिया के पकड़ लेलस, आप पकड़ के सीधे बटलर का सिंहासन के पास लेके पहुंचल। कलस ए साहब, तोहरा असली दुश्मन के पकड़ लेनी इनाम हमें का देता रहा, कहा वह अंग्रेज आओ देखा न ता, क्या इनाम देना है यार, इन पूरे इंडियनों के सामने इसकी इज्जत लूट लो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पूरे भारतीयों के सामने इज्जत लूट लो, जैसे आज आपकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, सारे सबूत मिटा दिए जा रहे हैं, इसलिए बाबा साहब ने कहा था पॉलिटिकल पावर इज ए मास्टर की, राजनैतिक सत्ता जरूरी है, राजनैतिक सत्ता के संरक्षण में रेलवे का प्राइवेटीकरण हो गया, ससुराल लॉकडाउन थोड़ी रहा, लॉकडाउन में तो हर कुल रेलवे बंद करके देखिए, जब अब रेल धीरे धीरे चले चालू थे, कुल इन पर अडानी लिखल है, इंडियन रेलवे हम नहीं लिखल है, अडानी रेलवे, तो हर सरकारी संपत्ति कोई और का प्राइवेट हो गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, प्रेम से लला हमें बतिया।
आज जे हारेला से अपने से हारेला हम बतौली पकड़ लेलस ले जा कलश साहब बतावा कह इसकी इज्जत लूट लो इन इंडियनों के सामने पूरे भारतीयों के सामने जश्न मन रहा है। अरे मरलस दुपट्टा हो खींच लेलस दुपट्टा है सिनेमा से। जब सिनेमा से दुपट्टा खींचलस लई किया गन 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 कांपत हिया तबले फिर हथवा लगौलस सोचलस की करे के काबा इस समय गुलामे हूं इस समय गुलामे हो तो ये लोग का समनवा एकर पूरा शरीरिया नंगा करी फारल चाहता सुटवा तो अंग्रेजवा बोला रुको 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 इस खेल में मजा नहीं है। कलश काहे साहब कहे अरे यार इस लड़की से एक बात याद आ गई यही लड़किया मातिन एगो लड़की के 18 साल पहलवा अखाड़ा पर दाव लगो लेते वो साला सानी पहलवान आके हमारी इज्जत लूट ले ओकर इज्जत बचा लेलस उ बंदी बा ओके लेके आई कुश्ती ना लड़वाई उस ससुरा बड़ी दाव जाने ला तलवार बाजी हुई तुम भी तलवार से खेलोगे वह भी तलवार से खेलेगा गेम में मजा तब आएगा जब वो हार जाएगा तो उसकी गर्दन तुम काटोगे और तुम हारोगे तो तुम्हारी गर्दन वो काट लेगा और जो जीतेगा वही इस लड़की की इज्जत से खेलेगा। रोवत यही ना एकर मतलब वो बंदी हमार बाबू होना केहू तरह हम बाबू के एक बेर देख लेती एक बाद केहू तरह हमार मरण हो जाए। आया है पिता सामने बाप सामने बेटा सामने कभी जी आला में भाव लिखा अरे खेला जिंदगी के ए भैया बाप ऊपर बेटावा तब चलावे तालावा अरे बाप ऊपर बेटावा चलावे तालावा अरे खुनावा नतीजा ये कि श्याम मुंडा ऊपर और क्रांति नीचे। शर्त क्या है जीतने वाला हारने वाला की गर्दन काटेगा उठा लिए तलवार श्याम मुंडा गन 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 शरीरिया गुस्सा में लाल हो कांपा था तलवरिया तलने हुआ काट दब सार के पीछे पीछे अरे तबले है पैरवा कपाला से सील गई आ जब सर्कल ए छतिया पर से तई कपड़वा हट गेल छतिया पर क क्रांति लिखल बाबू पढ़ गेल यह तो गड़बड़ हो गई। अब उ तलवरिया हाथवा में गनगनाई के धरतिया पर गिर गिल जौना अखिया से अंगार बरसत वो अखिया से आंसू का धार चलगल बेटा क्रांति अरे मेरे लाल मेरे जिगर का टुकड़ा उठ जा मेरा बेटा उठ जा बाबू इतने दिनों से तू कहां था रे कलश बेटा बाबू क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं मैं हारा हुआ जोधा हूं काटिए शर्त है साहब की वरना मैं दोबारा उठ गया तो बोटी बोटी काट डालूंगा। खलस करे पगला करे पगला कोनो बाप अपना बेटा के काटे लन रे तू मेरा बेटा है क्रांति है मेरे जिगर का टुकड़ा है खलस है ओ साहब मेरे सब कुछ है कहा साहब सब कुछ है वो तुम्हारे डैडी है तुम्हारे पापा है खलस नहीं कबो कबो हमरो मन करेला लोगन का सुन के कि पापा कहीं डैडी कहीं पिताजी कहीं जब भी मैं उनको पिताजी कहता हूँ वो मुझे हराम का औलाद कहते हैं। कहा नहीं रे तू हराम का औलाद नहीं है तू शेर का औलाद है
तू हराम का औलाद नहीं है, तू शेर का औलाद है और तेरा शेर बाप तुम्हारे सामने खड़ा। उठ जा, हथवा पकड़ के उठाओ तो कहता साचो तू बाबू हुआ, हमारा नहीं समझ में आवत। अरे तबले ही ना रोपड़ी भैया। हाँ भैया, वह आपके पिता है, मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे भैया है। अंग्रेज आवाज सुन लो कल, इसका बेटा है जिसको मैं पालता है, वो इसका बेटा है। कलश चा मुंडा बेटा मांग, एक बतिया तो तू मांग, तुम्हारे बेटा हुए ना आज मांग, बल्कि अगर थोड़ा बदला में हमारे जान लेके भी अंग्रेज तो के छोड़ी ना, जान दे दे। कलश देवा ना बाबू, देवा ना मांग। अब जब तुम कहा मांग, क्या मांग रहा है बेटा, जरा अपने बाप से सुनेंगे। ही चाही अरे अब कायर के जीवन दानवा बाबूजी, अरे तो बोला क्रांति जल्दी काट कर दानवा बाबू। बहुत सारे रुपयों से सम्मान के हमारे जय भारत आई ध्यान देंगे। बाबू कहला काहे ने पगलाई से काहे कहते तो बतावे। कल सहारल रहत बाबू, अरे जाइत देशवा के पनिया, आये भैया कहा थे लुटी जाइती बहिनिया, अरे आई अपना हथवा से बेच दी हली, अरे वता नवा बाबू जी। हे बाबू, अगर तुहके हरा देलती ना तो तू नहीं चिंता कि हम तोहार बेटवा है, हम ना चिंती कि तू हमार बाबू हुआ। पहला गलती कैल रहती कि तुहके कटले होती, दूसरा गलती कैल रहती कि जौना हथवा से अपना बहिनिया का इज्जत कर अच्छा करे के चाहिए, वही हथवा से अपना बहिनिया का इज्जत का लुटेरा बन जाती। यही कनाई ये हथवा से पता नहीं कितने बहिनन के ये अंग्रेजवा कहा थे बेच दे ली। दुश्मन हो, अब बोले जान लो तुम लोग के दुश्मन के हो, गलती में भुलाए भटकाए के वोट दिया गई, लेकिन अब बोले सिन्हा जा की तू लोग दुश्मन के हा? के हा? ओ के गलती गलती ना कर, अब जवन गलती होता साहब इहे गलती है। बाबू कहना बेटा अब सुन, ई तोर दुश्मन हो, अगर तू हकीकत में जितना पाप के लिए जितना देश का साथ गद्दारी के लिए ओसे तो के उरीड होके के हो तो फिर एगो काम कर बेटा, हमार बतिया सुन ले, हे के खत्म कह दे, हम नहीं तो के मरनी ते के खत्म कर दे। कहे बाबू ऐसा का तबले अंग्रेज आवा इतनी बतिया सुन ले, साग आंख लाल लगा साले तू हमको खत्म करता है, साले तू हमको खत्म करता है साहब। उका कहे, उका कहे, अरे तबले फिरंगी दिया यार दे सुनाई कि अरे बाप बेटा बेटी मिलके करे ले लड़ाई। पॉइंट नोट करेंगे, हमने कहा था कि हमारी और आपकी बहन बेटी की आबरू लूट रही है तो क्यों लूट रही है, इस पॉइंट को नोट करके ही बिरहा के सुनने वाले अपना जगह छोड़ेंगे, इसे नोट करेंगे। अभी आप लोगों के सामने एक कांड हुआ था प्रियंका रेड्डी का, प्रियंका रेड्डी कांड, वह ब्राह्मण की बिटिया थी, हम सभी ने आवाज लगाया, हम सभी ने,
आवाज लगाया, लेकिन दलित की बेटी लुटती है तो बाकी लोग मौन हो जाते हैं। एससी परिवार की बेटी लुटती है बाकी लोग मौन हो जाते हैं। ओबीसी परिवार की बेटी लुटती है बाकी लोग मौन हो जाते हैं। कारण यही है, आप जिस दिन दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी मान लीजिएगा, उसी दिन देश के हर कोने में बहनों का इज्जत लुटना बंद हो जाएगा। यह बाप अगर उस यादव की बेटी को यह मान लिया होता कि वह यादव की बेटी है, तो फिर तो वह अंग्रेज लूट लिया होता। लेकिन अगर वह बाप ने उस बेटी को अपना बेटी माना, भारत की बेटी माना, अपना बहन माना, तो कहीं ना कहीं भगवान ने देखा आज उस श्याम मुंडा की बेटी की आबरू किसी न किसी मोड़ पे अपने आप बच गई। इस तरह से ओम प्रकाश दीवाना निवेदन करेगा, अगर आज हमारी आपकी बहू बेटी लूट रही है तो कहीं ना कहीं हम उसके खुद जिम्मेवार है। लुटेरा चाहे मेरा भाई हो चाहे आपका बेटा हो, लुटेरा चाहे मेरा भाई हो, लुटेरा चाहे आपका बेटा हो, अगर इज्जत का लुटेरा है, वह किसी भी जात का है, किसी धर्म का है, तो हम सबका फर्ज बनता है उसे पकड़ करके बीच चौराहे पे पूरे गांव वाले गोली मार दो, कोई धारा यहां पे लागू नहीं होगी। उस दिन से इज्जत लुटना बंद हो जाएगा, इज्जत लुटना बंद हो जाएगा। लुटेरे लुटोरे की फटने लगी, खड़ा कहीं के नीचे में से मार दिया। इसका फासला जब तक नहीं मिटाओगे तब तक कितना हो कानून बनेगा। अरे कानून का रक्षा कौन करे जब कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बने हुए हैं, कौन रक्षा करे? इसलिए आपको जागना होगा। गीत की आखिरी कड़ी, गुरु बिहारी पद छह बार खत्म हुआ, दस स्थान कवि सुरेंद्र यादव कहते भारत मेरा महान। अरे ही नाथ वतन दीवानी बन गई।